अबे वो मजदूर क्या सोच रहा है बैठ के, जल्दी से उठ काम खत्म कर। बेटा यहाँ आना। बेटा यहाँ आओ। क्या बात है बेटा, मैं तुम दोनों को काफी देर से देख रहा हूँ। तुम अपना काम छोड़कर सामने चलती गाड़ियाँ और ये इर्द गिर्द के घरों को बड़ी हसरत से देख रहे थे और फिर मायूसी से अपने काम में लग गए। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? मैं ये सब इसलिए देख रहा था क्योंकि ये सब मेरे पास नहीं है। मैं हर रोज ये ख्वाहिश करता हूँ कि काश मेरे पास भी एक अच्छा घर, गाड़ी, पैसा और ज़िंदगी की हर आसाइश मेरे पास भी हो, लेकिन फिर मैं ये सोचकर मायूस हो जाता हूँ कि ये सब कुछ मुझे नहीं मिल सकता। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, मुझे ये सब कैसे मिल सकता है? मैं सुबह से शाम तक कड़कती धूप में मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी कुछ ख़ास हासिल नहीं कर पाता। एक मकान के अलावा ज़िंदगी की कोई आसाइश नहीं है, और सिर्फ यही नहीं, हर कोई मुझे कमतर समझता है और इसलिए मुझे लगता है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। असल में मैं भी यही सोचता हूँ कि जिस तरह अमीरों के पास बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, उनकी इज्जत है, नौकर चाकर हैं, उनके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, उनकी एक इज्जत है, मैं भी वो इज्जत चाहता हूँ और वो मुकाम चाहता हूँ, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। मुझे आप लोगों के नज़रियात पर बड़ा अफसोस हुआ। हमेशा याद रखें कि कोई भी इंसान कमतर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया। आप खुद सोचें कि अगर सारे के सारे लोग अमीर हो जाएं या सब के सब लोग गरीब हो जाएं तो इस दुनिया का तो निज़ाम नहीं चल सकता। आज हमारी नज़र में अमीर लोग वही हैं जिनके पास अच्छी गाड़ी हो, जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हो या अच्छी परफ्यूम लगाता हो, लेकिन मेरी नज़र में आप लोगों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। आप खुद सोचो कि अगर किसान खेती बाड़ी ना करे तो लोग तो भूख से मर जाए, और अगर मजदूर मकानात ना बनाए तो सारे के सारे लोग सड़कों पे आ जाए, लेकिन ये बात कोई समझता ही नहीं है। इसलिए आप लोगों के लिए सिर्फ एक बात कहूँगा कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो।